और भी बात की थी, दैट वाज द केस ऑफ अवर बेटे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात की थी। आई जो है आपका दैट इज इक्वल टू MeV d। आई थिंक हमने VD की न्यूमेरिकल वैल्यू म्यू इंटू ई की फॉर्म में पुट करके इसको किया भी था, और आपने मोबिलिटी का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था, एंड देन आपने आपका जो करंट डेंसिटी है बेटा ये वाला कंसेप्ट भी आपने आई थिंक फिनिश किया था, एंड आई होप यू आर डूइंग इट बेटा प्रॉपरली। अब बेटे इन कॉन्टिन्यूएशन विद द सेम बेटे मेरे पास बेटे अब फर्दर थोड़ा मैं बात करूंगा ओम्स लॉ हमारा जो है बेसिकली इसके साथ कंसेप्ट के साथ कैसे रिलेटेड है, और कैसे हम बेटे ये सारे आइडियाज ओम्स लॉ की डेरिवेशन में अप्लाई कर पाएंगे, और कैसे हम बेटा हमारा ओम्स लॉ में ग्राफिकल वेरिएशन वगैरह स्टडी कर पाएंगे एंड ऑल दैट बेटा। सो लेट्स बेटा बिफोर वी प्रोसीड विद एनीथिंग अदर फोकस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ बेटे अवर ओम्स लॉ। बेटा ओम्स लॉ आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, प्रेजेंटली आप इसको बेटे जब भी स्कूल में आएंगे आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखोगे डिटेल में, और आप VI ग्राफ वगैरह भी इसका सारे का सारा जो है प्लॉट करके रिजल्ट्स को एनालाइज करोगे बेटा। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा वी कैन से दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। अब बेटे फिजिकल कंडीशन वर्ड पे शायद हमने लोअर क्लासेस में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया हो। फिजिकल कंडीशंस का डियर चिल्ड्रन मतलब होता है आपका टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए एक्सपेरिमेंट करते टाइम, और साथ ही साथ कुछ फिजिकल पैरामीटर जो होते हैं मैकेनिकल आपकी स्ट्रेंथ के साथ रिलेटेड स्ट्रेन वगैरह जो है आपके कंडक्टर में नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सो ये हम फिजिकल कंडीशंस का मीनिंग यहाँ पे जो है वो लेके चलते हैं। सो लेट मी बेटे वंस अगेन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द सर्किट सेटअप। आप एक बेटे प्योर रेजिस्टर यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए, लेट इट बी द प्योर रेजिस्टर, और आपने एक यहाँ पे बेटा जो सोर्स ऑफ EMF है एक बैटरी लगा रखा है, देन आपने एक एमीटर यूज किया हुआ है, और आप एक की यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड फर्दर मोर आप इस सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर दोगे जब आप ये वाला की इंसर्ट कर देते हो आपका सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। दिस इज द रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एमीटर, इसके अक्रॉस आप एक बेटे वोल्ट मीटर अटैच कर दीजिए, ये वोल्ट मीटर आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी वैल्यू आपको इंडिकेट कर देगा बेटा। पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव नेगेटिव की तरफ। हमेशा याद रखिए एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये चीज हम सर्किट्स में फॉलो करते आते हैं बेटा। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ योर ओम्स लॉ इट इज सेड दैट आई करंट जो आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है दिस इज बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जितना आपने इसके एंड्स के अक्रॉस जो है
ये अप्लाई कर रखा है बेटा। और आप ये भी कह सकते हो आपका अगर करंट वोल्टेज पे डिपेंडेंट है तो वोल्टेज जो है दिस इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द करंट बेटा। और आप इस साइन को हटा दीजिए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, वी विल बी इक्वल टू द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू आई बेटे, एंड आर दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बेटे। बेटे जो रेजिस्टेंस है दिस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट बेटा। सो इन दिस वे हम थोड़ा सा और इसको बेटे अगर इलेबोरेट करें, इसके बारे में बात करके देखें, समझें इसको रादर, तो वी विल बी हैविंग दैट बेटा हमारा जो है वी दिस इज इक्वल टू देन बेटा बी इज इक्वल टू बेटे यूअर आई इंटू आर, आप इन द नट शेल कह सकते हो। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितने टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम अगर आप टेम्परेचर बदलोगे रिजल्ट सेम नहीं रहेगा, बिकॉज आपके कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाएगा। कैसे बदलता है, क्या वेरिएशन है, क्या रिलेशनशिप है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट वेरी मच इन डिटेल, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दीज फ्यू बेसिक आइडियाज बेटा। सो आपका वी आई इंटू आर के बराबर आ गया। इसके बाद आपको याद होगा हम वी आई ग्राफ ड्रॉ किया करते थे बेटा, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। आप इस तरीके का एक ग्राफ बनाया करते हैं, ओरिजिन को आपने फिक्स कर लिया और आपने जो वी है इन एक्सिस के अलोंग, आई इन एक्सिस के अलोंग लिया, दिस इज कॉल्ड योर वी आई ग्राफ। और आपका वी आई ग्राफ के अकॉर्डिंगली ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाया करता है, बिकॉज डिपेंडेंस डायरेक्ट है आपकी, वी आई पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, दैट इज वाई इट इज ए स्ट्रेट लाइन बेटे। और डियर चिल्ड्रन थोड़ा सा और अगर मैं आगे चलूं इसी कंसेप्ट के साथ, तो ये एंगल अगर मैं यहाँ पे मेजर कर लूं कि कितना एंगल बना हुआ है ये थीटा विद द हेल्प ऑफ डी, और इस पॉइंट से मैं बेटे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ इन एक्सिस पे, लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट इट बी बी। आप ट्रेंगल ओ ए बी को एक बार ध्यान से देखिएगा, इस ट्रेंगल में आपका जो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा है बेटा इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी बेटा। ए बी इज योर परपेंडिकुलर, ओ बी इज योर बेस। परपेंडिकुलर आपको वी दे देता है, बेस आपको आई दे देता है। सो ए बी इज वी, ओ बी इज आई, इट विल गिव यू आर बेटा। इट मीन्स दैट अगर आप बी आई ग्राफ का स्लोप निकाल लोगे दैट विल डायरेक्टली गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर बेटा। सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ इट गिव्स अस द रेजिस्टेंस डायरेक्टली बेटे। अब आपको, आप देखो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आपको ये नहीं कोई पूछेगा कि ये जी ग्राफ क्या बताता है क्या नहीं बताता, वो आपको ऐसा कह सकते हैं कि यू आर हैविंग दीज टू कर्व्स, दिस इज फॉर द कंडक्टर नंबर वन, दिस इज फॉर द कंडक्टर नंबर टू। कुछ रेशो वगैरह पूछ सकते हैं आपसे, या आपको कह सकते हैं कि किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और क्यों होगा, एक्सप्लेन करिए, समथिंग लाइक दैट। एक आगे चलने से पहले और बेटे मेरे पास कंसेप्ट है, दैट इज अगर हम आई को इधर और बी को इस तरफ ले लें, दैट वी कॉल एज आई वी ग्राफ। आपने लोअर क्लासेस में जरूर उसके बारे में भी स्टडी किया होगा, आइए थोड़ी सी उसके बारे में भी ब्रीफली डिस्कशन करके कंप्लीट करें उसको बेटा। आई वी ग्राफ आपका कैसा होता है और हम कैसे उसको लेके बेटा फर्दर अपना सारे का सारा डिस्कशन कर सकते हैं, तो यू आर दिस टाइम टेकिंग आई अलोंग दीज वर्टिकल एक्सिस बेटा एंड वी अलोंग दीज हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेटे। डिपेंडेंस आपका डायरेक्ट है, कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। और आपने
ये पॉइंट ए बोलकर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एंड द लोअर मोस्ट पॉइंट आपने बोल दिया बी। अब एक बार फिर से इस एंगल का आप बेटा कैलकुलेशन कर लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए कितना एंगल आया है आपको, और आप टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा निकाल लो, इट विल बी इक्वल टू अगेन ए बी अपॉन ओ बी। देखिए टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा आपको स्लोप दे दिया करता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी, ए बी आपको आई देता है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, सो दिस विल बी इक्वल टू योर आई। ओ बी दिस इज गिविंग यू वी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं वन अपॉन वी अपॉन आई भी लिख सकता हूं बेटा। और बच्चों वी अपॉन आई यहां से आप देख लीजिए, वी अपॉन आई आपका आर के बराबर है, सो आपका स्लोप जो है आई वी ग्राफ का, इट विल गिव यू वन अपॉन आर। बेटे रीएडजस्टमेंट कर लीजिए टर्म्स का, आर विल बी इक्वल टू वन अपॉन यूअर स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। सो बेटे आपको एग्जामिनर यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दो आपको कंडक्टर्स के लिए बी आई वी ग्राफ्स दिए गए हैं, ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये रेजिस्टेंस आर टू है, इन दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है और क्यों? तो आप देख लीजिए, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, स्लोप ज्यादा आपका आर वन का है तो आर वन विल बी लेस देन आर टू, अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज दीज विद थिंग्स। सो इन दिस वे आप अपने आई वी और बी आई ग्राफ्स जो आपके हैं इनको बेटा कंपैरेटिवली स्टडी करके अकॉर्डिंगली सारी आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनका आप बेटा जवाब दे सकते हैं। आइए अब बात करके देखें बेटा, थोड़ा सा हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अपने ओम्स लॉ का फॉर्मूला बच्चों कैसे डिराइव कर सकते हैं, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो। बेटे बच्चों आपने V इज इक्वल टू आई आर ये बात तो कर ली, या आप ऐसे भी कह सकते हो R आपका जो है दिस इज V अपॉन I, या आप लोग ऐसे भी कहा करते हैं R आपका जो रेजिस्टेंस है बेटे दिस इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए। दिस इज योर वेल नोन रिलेशनशिप फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बेटे ये आया कहाँ से था ये रिलेशनशिप? हमने जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो को नोटिस किया, स्टडी किया, एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया रादर, इट वाज नोटिस्ड दैट कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली डिपेंडेंट है। आप लोगों ने क्या किया, इनको दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये रिलेशनशिप आपने 10th स्टैंडर्ड में बड़ी डिटेल में कर भी रखा हुआ है। अब बेटे थोड़ी सी बात करिए, और आपके पास जो है I इट वाज इक्वल टू N E A एंड V D, ये रिलेशनशिप आपने कल डिराइव कर लिया था बेटा। आप इसमें V D की वैल्यू पुट कर दीजिए, V D आपका मैग्नीट्यूड वाइज था E इंटू टाओ अपॉन एम बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। डियर चिल्ड्रन आई आपके पास आ गया जी एन ई ए, वी डी की जगह ई इंटू टाओ अपॉन एम बेटा, दिस इज देयर। बच्चों कल हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी डिस्कशन किया था, और रादर बिल्कुल पहले चैप्टर में, बिगनिंग वाले चैप्टर में हमने बात की थी, हमारा जो ई है ये माइनस डी वी अपॉन डी आर हुआ करता है। डी वी को मैं कल मैंने बनाया था, ऐसे कंडक्टर बनाया था डायग्राम, और आपको बताया था कि अगर आप ऐसे बैटरी अटैच कर देते हो, एल इसका लेंथ है और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी के बराबर का है, और आपका ई जो कि माइनस डी वी बाई डी आर था या होता है,
इस केस में बी अपॉन एल आ जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड वाइज, भूलना नहीं इसको आपने। इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा ई की, सो आई विल बी हैविंग आई इज इक्वल टू एन ई ए बी टाओ अपॉन एम इंटू एल बेटे, ये चीज मेरे पास बेटा बन जाती है। अब बेटे मैं टर्म्स की थोड़ी सी रीशफलमेंट कर लेता हूँ, टर्म्स को थोड़ा सा बेटा रीअरेंज कर लेता हूँ। मेरे पास आई जो है देखिए एन एस एच है, ई एन टू ई दिस इज बेटे ई का स्क्वेयर, ए और है नहीं ऐसे ही लिख दिया, बी ऐसे ही लिख दिया, ताओ ऐसे ही लिख दिया, डिनोमिनेटर में एक एम है एक एल है बेटा। डियर चिल्ड्रन आप जैसे जानते हैं आर आर आपका वी अपॉन आई भी तो होता है ना, आप इसको वी अपॉन आई यहां से निकाल लीजिए, वी आपका यहाँ पे पड़ा है आई को इधर ले जाओ, बाकी सारी चीज की शिफ्टिंग कर दीजिए बेटे, इट विल बी एम इंटू एल अपॉन एन इंटू ई स्क्वेयर इंटू ए इंटू टाओ, ये चीज आपको बच्चों मिल जाएगी। अब आप बेटे क्या कर सकते हो, आप जानते हैं वी अपॉन आई आपका जो है ये देखिए कहीं लिखा होगा, नहीं रब कर दिया है, वी अपॉन आई आपका आर के बराबर भी तो होता है ना बेटे, इट विल मीन दैट आर बन गया आपका एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाओ बेटा, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, की रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। आइए थोड़ी और बात करें, रेजिस्टेंस डायरेक्टली मास, ये किसका मास था, इलेक्ट्रॉन्स का मास था जो आपके कंडक्टर में से फ्लो हो रहे हैं, एल आपके कंडक्टर का लेंथ है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भूलना नहीं आपने, ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड टाओ दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, और कल आपने किया था रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ ओवर आरएमएस स्पीड ऑफ द कंडक्टर बेटे, ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर बेटा। सो इन दिस मैनर बेटे हम इन पैरामीटर्स को टैकल कर सकते हैं। एक स्टेप और आगे चलूंगा बेटे मैं यहां से इसके साथ कंसर्न्ड सिचुएशन में, आप लोगों ने आर को नो डाउट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, डिराइव कर लिया है, और आर आपका जो है इट इज टर्निंग आउट टू बी एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ आपका बन रहा था बेटा। बच्चों अभी अभी हमने ये भी कहा था आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, आप इन दोनों राइट साइड्स को अगर कंपेयर कर दोगे आपके पास रेजिस्टिविटी भी निकल आएगी बेटा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। सो लेट अस सी रो इनटू एल अपॉन ए, मैंने आर की वैल्यू ये चूज कर ली, इधर मैंने एम इनटू एल एन ई स्क्वायर ए इनटू टाउ एस एच बच्चों लिख दिया, आपका देखिए ए कैंसल आउट हो गया, एल कैंसल आउट हो गया बेटा, और जो रो है इट इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाओ के बराबर आपको मिल जाएगा। सो इन दिस वे बेटे हम अपना रेजिस्टिविटी का भी कंसेप्ट देख सकते हैं। बच्चों आपको याद होगा हमने बात किया करते थे हम कि हमारा जो रेजिस्टेंस है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डायमेंशंस और द साइज ऑफ द कंडक्टर, तो ये देखिए ये लेंथ है ये एरिया है, ये साइज आ गया डायमेंशंस आ गई, इधर देख लीजिए ना लेंथ है ना एरिया है, इट इज मियरली द प्रॉपर्टी बेस्ड अपॉन द मटीरियल और द नेचर ऑफ द मटीरियल, आपका मटीरियल कैसा है उस पर डिपेंडेंट है, मटीरियल कैसा है का क्या मतलब है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये फैक्टर डिसाइड करेगा टाओ एंड ऑल द अदर रेलिवेंट फैक्टर्स को। सो डियर चिल्ड्रन आपका जो रेजिस्टिविटी है इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ विच द कंडक्टर इज बिटे फॉर्म्ड। सो ये और ये दोनों यार रिलेशन को आपने भूलना बोला तो नहीं। नहीं, हाँ जी बेटे, यस बेटा यू वांट टू से समथिंग?
हाँ जी बेटे, एनी एनी स्टूडेंट वांट्स टू से समथिंग? ओके, आई थिंक चलिए आगे चलते हैं देन बेटा। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के बाद। लेट अस वंस अगेन बेटा बेसिक हमारे यूनिट्स वगैरह के बारे में बात कर लें, देन वी विल बी कमिंग टू द कार्बन रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट बेटा। आइए बेटे देखें हमारा रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से पोजेस करता है, रेजिस्टिविटी कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स पोजेस करता है। सो आइए बेटे देखें यूनिट्स ऑफ आर। आपका आर जो था आपने वी अपॉन आई बोला, अगर आपका वी 1 वोल्ट है, आई आपका 1 एम्पियर है, आर आपका 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, आर आपका 1 ओम आ जाएगा। इन नटशेल आपका यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस जो है इट इज बेटे ओम, और ओम को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल यूज फॉर द रेजिस्टेंस। आप ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट करंट फ्लोज थ्रू इट व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो 1 एम्पियर का करंट अगर पास हो तो हम कहेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू बेटे 1 ओम बेटा। सो दिस इज अवर कंसिडरेशन ऑफ द रेजिस्टेंस बेटा। आइए अब थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में भी बात करके देखें बेटा। रेजिस्टिविटी क्या है और हम रेजिस्टिविटी को बेटा कैसे डिस्कस कर सकते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द कंसेप्ट ऑफ बेटा रेजिस्टिविटी। बेटे आप लोग अभी प्रेजेंटली कर रहे थे आर जो है रो इनटू एल अपॉन ए के बराबर है बेटा। आप क्या करिए, रो को एक साइड पे एडजस्ट कर लीजिए, बाकी सारे पैरामीटर्स को दूसरी साइड पे ले जाइए। आपका जो रो है इट विल बी आर इनटू ए अपॉन एल बेटा। अगर मैं यूनिट्स के बारे में जानना चाहूं बेटा, रो के यूनिट्स बन जाएंगे, रेजिस्टेंस आपका ओम होता है, एरिया मीटर स्क्वेयर, लेंथ मीटर में आ जाएगा, रो विल बी ओम एंड मीटर। ये आपके स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर जो है उसके यूनिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। डियर चिल्ड्रन, अगर मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहूँ, आप जरा देखिए इस रिलेशनशिप को, इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ। आर इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए बेटा, ये मेरे पास रिलेशनशिप है। मैं कंडक्टर को बेटे एक क्यूब की फॉर्म में कंसिडर कर लेता हूँ। इमेजिन कर लीजिए ये हमारे पास एक क्यूब है, मेटल का बना हुआ क्यूब है रादर, और आप इस क्यूब की जो डायमेंशंस हैं इनके बारे में अगर आप बात करोगे तो जितना ये वाला साइड है उतना ही इसका ये वाला भी साइड है, एंड ऑलमोस्ट उतना ही साइड इसका ये वाला भी है, बराबर के साइड्स हैं। क्यूब इमेजिन किया है हमने, सॉलिड क्यूब है रादर ये आपका। अब इस केस में अगर मैं लेंथ को 1 मीटर कह दूं, 1 यूनिट कह दूं, 1 सेंटीमीटर भी कह सकता हूं, एरिया मेरा 1 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। यहां पे वैल्यूज पुट कर देता हूं, आई विल बी गेटिंग दैट आर इज इक्वल टू रो एल आपका 1, एरिया आपका 1, और आपका जो रो है इट इज इक्वल टू आर। तो बच्चों ये मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब हैविंग 1 यूनिट साइज। मैं रिपीट कर देता हूं, लिख देता हूं रादर, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप कहते हो,
specific resistance of a conductor is defined as its resistance if its length is one unit and area of cross section is one square unit beta. So in this manner aap beta resistivity ka concept jo hai isko discuss kar sakte ho, koi bhi zyada isme mushkil wali baat beta nahi. So aaiye bete ab aage discuss karte hain. Iske baad mere paas concept hai beta carbon resistors kya hote hain aur hum unka resistance wagaira jo hai kaise nikal sakte hain. Let us bete focus upon the carbon resistors and the way to calculate the resistance of the carbon resistors. आइए बेटे देखें कार्बन रेजिस्टर्स क्या हैं, इनका रेजिस्टेंस हम कैसे इसके कलर्स को पहचान के निकाल सकते हैं बेटा. आइए देखें कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोड. कलर code bitte before I come up with the very much details of the color code for finding out the resistance of the carbon resistors, main pehle aapko thoda bata dun carbon resistors hote kya hain. Ceramics ya simply carbon ko aap as raw material lekar kuch definite value of resistance ke liye ye स्ट्रक्चर्स इमेजिन कर लिया करते हो, बना लिया करते हो. कार्बन रेजिस्टर्स कुछ इस तरीके का कार्बन रेजिस्टर आपको दिखेगा. दिस इज योर कार्बन कार्बन रेजिस्टर बेटा. कार्बन रेजिस्टर पे बेटे आपको 1, 2, 3 और एक चौथी चार रिंग्स बनी होती हैं, 4 रिंग्स बने होते हैं. और आपको स्टार्ट किस तरफ से करना है, जो रिंग आपके बिल्कुल नजदीक वाले एंड पे होते हैं यहां से आपने स्टार्ट करना होता है. ये थोड़ा ज्यादा गैप पे है, इधर से स्टार्ट नहीं करना. मतलब दिस इज योर रिंग 1, दिस इज योर रिंग 2, दिस इज योर रिंग 3, दिस इज योर रिंग 4 बेटा. ये चारों रिंग्स जो हैं इनके ऊपर बेटे अलग अलग कलर का आप जो है ये कलर किया हुआ देख सकते हो. चारों पे रिंग्स के ऊपर अलग अलग कलर होगा. हम इस कलर को देखकर पहचान कर इस कार्बन के रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कैलकुलेट किया करते हैं. तो वी हैव विद अस बेटा 4 रिंग्स आपके पास दिए गए हैं. इनका सबका अलग अलग कलर है. आपको इन चारों के कलर्स को पहचानना है और सिंपली आप अपना फॉर्मूला यूज कर लोगे. उस फॉर्मूला में आप अपनी वैल्यूज पुट कर दोगे और आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा. मैं कलर कोड आज नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, टाइम थोड़ा कम रह गया है. तो मैं रेजिस्टर्स के बारे में ब्रीफली एक बार बेटे फिर से बोल देता हूँ. कार्बन रेजिस्टर्स बेसिकली आपके सिरामिक या और कार्बन की बने हुए मटीरियल के रेजिस्टर्स होते हैं जो आपको आपका रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जितना भी आपने किसी सर्किट में इंट्रोड्यूस करना है वो इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. आप मान लीजिए किसी सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप कार्बन रेजिस्टर्स का यूज कर लोगे. अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है? जस्ट बाई रिकॉग्नाइजिंग द कलर्स ऑन दीज रिंग्स बेटा. और वो जो कलर्स हैं उन कलर्स को पहचानने के बाद हमारे पास कलर स्कीम होगा दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो. हम इसका रेजिस्टेंस बेटा निकाल लेंगे. सो बिफोर आई एंड अप
ओवर हियर एनी चाइल्ड हैविंग एनी पॉइंट टू बी डिस्कस्ड अगेन बेटा. अविश, ध्रुव, पावन, वंशिका, तवनीर, तनवीर, भूमिका. ओके बेटे, ओके, थैंक यू बेटा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा. थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल. थैंक यू ऑल बेटे.